लास्ट वीडियो में हमने टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेसिस्टेंस को डिस्कस किया था, तो कुछ ग्राफ्स मैंने आपको बोला था कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो सबसे पहले बताता हूँ, उसके बाद लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, बहुत ही इजी टॉपिक है, वो बताने वाला हूँ। देखो, हमने पढ़ा था कंडक्टर में क्या होता है कि जैसे हम रेसिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं, कोलिजन्स इंक्रीज हो जाती हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन्स ऑफ वायर्स के बीच में, वायर के बीच में, तो कोलिजन्स बढ़ेंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ता है, तो मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टर्स का, मेटल्स का रेसिस्टेंस बढ़ता है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, इस एक्सिस पे मैंने रेसिस्टेंस ले रखा है, इस एक्सिस पे टेम्परेचर ले रखा है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे रेसिस्टेंस भी फटाफट इंक्रीज करता जाएगा, तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, ऐसे करके थोड़ा बनाना, ऐसे करके इंक्रीज करता होगा ग्राफ, ये थोड़ा सा इधर स्टेट बनाना, स्टेट नहीं, यहीं से सीधा ऐसे इंक्रीज करना शुरू कर देना है, पेन चल नहीं रहा बट आप समझ ही होगे मुझे लगता है, ठीक है, ऐसे इंक्रीज कर देना ग्राफ को, चल पड़ा, इधर रेसिस्टेंस इधर टेम्परेचर, तो जैसे जैसे बढ़ाएंगे ऐसे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता जाएगा रेसिस्टेंस मेटल्स के अंदर। फिर मैंने आपको बताया था कि जो एलॉयज होती हैं, जैसे निक्रोम होगी, मैग्नीन होगी, कॉन्स्टेंटन होगी, उसका अल्फा जो होता है टेम्परेचर कोफिशियंट जो होता है उसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, मीन्स टेम्परेचर में वेरिएशन से उनके रेसिस्टेंस में बहुत कम चेंज आता है। तो इसका मतलब अगर हम निक्रोम या मैग्नीन जैसे एलॉयज के लिए रेसिस्टेंस एंड टेम्परेचर के बीच ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा कि टेम्परेचर की वैल्यू तो हम फटाफट बढ़ाएंगे लेकिन रेसिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही कम चेंज हो पाएगी। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा माइन्यूट सा दिखाना है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं रेसिस्टेंस की वैल्यू धीरे 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 इंक्रीज करती जा रही है, ठीक है। तो ऐसे बहुत ही कम टेढ़ी है, बहुत कम स्लोप वाली ये लाइन यहाँ पे हमको मिलेगी, क्योंकि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं रेसिस्टेंस की वैल्यू में इंक्रीमेंट बहुत ही कम आ रहा है, तो एलॉयज के लिए ऐसा आ जाएगा रेसिस्टेंस एंड टेम्परेचर के बीच ग्राफ। रेसिस्टिविटी टेम्परेचर के लिए भी ग्राफ सेम ही रहने वाले हैं, तो अगर रेसिस्टिविटी के लिए पूछ ले तो भी सेम ही आएगा। और सेमी कंडक्टर्स में क्या होता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस उनका डिक्रीज होता है, तो सेमी कंडक्टर्स के लिए ऐसे होगा, टेम्परेचर जैसे जैसे हम इंक्रीज करते जा रहे हैं रेसिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंसी वाला टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। देखो, ओम्स लॉ जो हमने पढ़ा था, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और वी और आई के बीच ग्राफ क्या आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, हमने ये बोला था। लेकिन उस ओम्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या है कि जो ओम्स लॉ है वो सबसे पहले तो कंडक्टर्स के लिए वैलिड है, सेमी कंडक्टर्स के लिए एंड इंसुलेटर्स के लिए वैलिड नहीं है। क्यों? देखो, ओम्स लॉ में क्या होता है, अगर वी और आई के बीच ग्राफ बनाए, इधर वी है इधर आई है, तो ग्राफ आना चाहिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ आना चाहिए। लेकिन अगर हम सेमी कंडक्टर्स के लिए ये ग्राफ बनाएं तो वो ऐसा नहीं आता, कुछ डिफरेंट आता है, वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। और इंसुलेटर्स के लिए भी ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आता, मतलब वो डिवाइसेस या वो मैटर, वो कोई भी चीज जिसके लिए वोल्टेज एंड करंट के बीच ग्राफ खींचने पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ ना आए, वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। और जिनके लिए वी एंड आई के बीच ग्राफ खींचने पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाए, वो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। वो डिवाइसेस जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको बोलते हैं ओमिक डिवाइसेस, एंड वो डिवाइसेस जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती उनको बोलते हैं नॉन ओमिक डिवाइसेस, ठीक है। तो पहली लिमिटेशन ये होगी कि कंडक्टर्स इसको फॉलो करते हैं, सेमी कंडक्टर इंसुलेटर्स फॉलो नहीं करते ओम्स लॉ को। सेकेंड, जो कंडक्टर्स है ना वो भी क्या एक लिमिट तक ही फॉलो कर पाते हैं। क्यों? देखो, जैसे मैंने एक कंडक्टर लगाया, कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, उसके अक्रॉस वोल्टेज है, तो वी आई के बीच ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। लेकिन जैसे जैसे मैं करंट की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा, करंट की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा और वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा, करंट की वैल्यू बढ़ने से क्या होगा, करंट क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, तो वायर में हीट प्रोड्यूस हो जाएगी जिससे वायर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। वायर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वायर का रेसिस्टेंस अब चेंज हो जाएगा, जिससे ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं रह पाएगा। देखो कैसे, इधर देखो, ये ग्राफ इधर बनाया हुआ हमने। देखो, जैसे जैसे हम वी की वैल्यू बढ़ा रहे थे, आई की वैल्यू बढ़ती जा रही थी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ चल रहा था, वी इक्वल्स टू आई आर, वी इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ,
जो रेसिस्टेंस है वो चेंज हो गया, रेसिस्टेंस चेंज हो गया तो ग्राफ की वैल्यू कुछ ऐसी होगी। क्यों? टेम्परेचर बढ़ा, सोचना, टेम्परेचर बढ़ा, रेसिस्टेंस बढ़ा, रेसिस्टेंस बढ़ा तो करंट की वैल्यू में क्या आनी चाहिए? अब करंट चल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, तो ऐसे हो रहा था, पहले वोल्टेज बढ़ाए जा रहे थे, करंट आराम से बढ़ता जा रहा था। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, करंट की वैल्यू काफी ज्यादा होगी जिससे टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टर का रेसिस्टेंस बढ़ गया, रेसिस्टेंस बढ़ गया तो अब करंट चलना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद मैंने वोल्टेज की वैल्यू और बढ़ाई, लेकिन करंट की वैल्यू और ज्यादा नहीं बढ़ पा रही है, बहुत धीरे धीरे बढ़ पा रही है, पहले तो आराम से बढ़ती जा रही थी। अब देखो वोल्टेज की वैल्यू कितनी ज्यादा मैंने चेंज कर दी, यहाँ पे इसके कोरस्पोंडिंग पॉइंट देखो ना, वोल्टेज की वैल्यू देखो कितनी ज्यादा चेंज कर दी, लेकिन करंट की वैल्यू में कितना कम चेंज आया, तो ये टेम्परेचर के कारण ऐसा हुआ। तो मतलब जो कंडक्टर्स है ना वो भी एक लिमिट तक, एक नॉर्मल टेम्परेचर तक ही ओमिक डिवाइसेस रह पाते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो कर पाते हैं, हाई टेम्परेचर पे वो भी ओम्स लॉ को फॉलो करना बंद कर देते हैं। तो मतलब फिजिकल कंडीशंस हैं जो वायर की वो चेंज ना हो, टेम्परेचर चेंज ना हो, लेंथ वगैरह चेंज ना हो, तो ओम्स लॉ फॉलो करती रहती है वायर, ठीक है। इसके बाद वही डेफिनेशन लिखी है, जो ओम्स लॉ को फॉलो करती है उनको ओमिक डिवाइसेस बोलते हैं, जो नहीं फॉलो करती उनको नॉन ओमिक डिवाइसेस बोलते हैं। एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख रखे हैं नॉन ओमिक डिवाइसेस के, पीएन जंक्शन डायोड, ये सेमी कंडक्टर डायोड होता है, 14th चैप्टर में पढ़ेंगे, उसका ग्राफ कुछ ऐसा सा बनता है, इसको अपने डिटेल में स्टडी करेंगे 14th चैप्टर में। और ट्रांजिस्टर हो गए, ये भी लास्ट लेसन में सेमी कंडक्टर फिजिक्स का पार्ट है, गन डायोड हो गए, ठीक है। तो इनके ग्राफ्स मैंने यहाँ पे बना रखे हैं, देखो वी आई, ये इधर वोल्टेज है, इधर करंट है, इधर वोल्टेज है, करंट है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा, ठीक है, बिल्कुल स्टेन, ऐसे पहले एनवलोप, ऐसे देखो एनवलोप सा बन रहा है, कर्वेचर सी बन रही है, फिर इधर झुक रहा है, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमको नहीं मिल रहा, तो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं ये गन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, ये नॉन ओमिक डिवाइसेस होती हैं। अब इस वीडियो का लास्ट टॉपिक सुपर कंडक्टिविटी, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है इसकी, सिर्फ डेफिनेशन हमारे सिलेबस में, जैसे इसके नाम में पता चल रहा है, सुपर कंडक्टर्स मतलब जिनका रेसिस्टेंस जीरो हो, अगर उनका रेसिस्टेंस जीरो होगा तो क्या होगा, अगर उसमें हम थोड़ा सा भी करंट चला देंगे ना तो वो करंट कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि करंट को खत्म करने वाला रेसिस्टेंस ही वहां पर नहीं है। तो मतलब एक बार अगर करंट चला दिया तो वो चलता ही रहेगा, उसको कोई खत्म करने वाला नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ जो कंडक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है ना, उससे कम टेम्परेचर अगर करते तो वो सुपर कंडक्टर्स बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मरकरी वैसे लिक्विड फॉर्म में होती है लेकिन है वो कंडक्टर, ये एक एक्सेप्शन है, ज्यादातर कंडक्टर्स क्या होती हैं, सॉलिड होती है, लेकिन मरकरी एक एक्सेप्शन है, वो लिक्विड फॉर्म में होती है, सॉरी मेटल, जो मेटल्स होती हैं सॉलिड फॉर्म में होती हैं, मेटल्स सॉलिड फॉर्म में होती है, लेकिन मरकरी मेटल ही है लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। उसमें क्या होता है, जब अपने मरकरी का टेम्परेचर क्या करते हैं, चल वो सॉलिड है लिक्विड है, उससे अपने को कुछ नहीं लेना देना, छोड़ो उस, बस अपने को सुपर कंडक्टिविटी पढ़नी है कि टेम्परेचर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से कम कर देंगे ना तो उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस डिसिपियर हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वो सुपर कंडक्टर बन जाएगी। इस फिनोमेना को बोलते हैं सुपर कंडक्टिव। फॉर एग्जाम्पल मरकरी नॉर्मल टेम्परेचर पे तो उसका रेसिस्टेंस होता है, लेकिन अगर उसका टेम्परेचर हम 4.2 केल्विन के इक्वल या इससे कम कर दे तो उसका टेम्परेचर सडनली जीरो हो जाता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे मरकरी ले आऊं और टेम्परेचर कितना कर दूं, 4 केल्विन कर दूं, 4.2 केल्विन से कम है ना, और उस मरकरी में मैं करंट चला दूं तो वो करंट लगातार चलता रहेगा, उस करंट को कोई खत्म करने वाला नहीं होगा, क्योंकि 4 केल्विन पे मरकरी के अंदर रेसिस्टेंस खत्म हो जाता है। अगर रेसिस्टेंस ही खत्म हो गया तो करंट को रोकने वाला कोई भी नहीं है। दिस फेनोमेना इज नोन एज सुपर कंडक्टिविटी। और वो टेम्परेचर जिससे कम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिविटी शो करता है वो, उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। और ये अलग अलग कंडक्टर्स के लिए अलग अलग होता है, ठीक है, अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग होता है ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर है। अपने को सिर्फ मरकरी का बुक में दे रखा है तो मरकरी का देखना है, मरकरी का क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 4.2 केल्विन टेम्परेचर पे, और 4.2 केल्विन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस इसका जीरो होता है, क्योंकि मरकरी तब सुपर कंडक्टर बन जाती है। इसके बाद ये कार्बन रेसिस्टेंस वगैरह है,
ये सिलेबस से हट गए हैं, ये अपने को नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना। नेक्स्ट जो अपनी वीडियो होगी वो होगी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो इसकी एक मैं लिंक अभी शेयर करूंगा आपको, तो उसमें बहुत आराम से समझ आ जाएगा आपको। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया, टर्मिनल वोल्टेज होगी, इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया। इंटरनल रेसिस्टेंस कहते हैं जैसे सेल होते हैं, सेल का जो इंटरनल पार्ट है, जो रेसिस्टेंस वो प्रोवाइड करवाएगा करंट के फ्लो में, उसको हम इंटरनल रेसिस्टेंस कहते हैं। वो भी देखेंगे, जो इसके साथ मैं एक वीडियो आपको शेयर करूंगा उसमें ये तीनों डेफिनेशंस पढ़ लेनी है। तो कल अपने डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को। ओके, हैव ए नाइस डे।